नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं पीरपैंती प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय टड़वा में। और आज चुल्लू भर पानी ये कार्यक्रम में चलाया जा रहा है इस प्रखंड में, और आज इसमें सम्मान समारोह रखा गया है। बच्चे को सम्मानित किए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र उनको दिए जाएंगे। आज हम इस स्कूल की दशा और दिशा को दिखाने का प्रयास करेंगे। चाहेंगे कैमरा पर्सन आप हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय टड़वा, यहाँ आंगनवाड़ी की सुविधा है। बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इसके बाद अगर इनसे आगे क्लास में जाएंगे तो वो आगे मध्य विद्यालय में पढ़ेंगे। इसके बाद ये उच्च विद्यालय है, यहाँ प्लस टू का भी साधन उपलब्ध है। यहाँ बच्चे पढ़कर, मतलब कहिए तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पढ़कर वो इंटर पास कर सकते हैं। यहाँ हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। और सभी स्कूल में क्यों नहीं हो पाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आखिर ऐसा क्यों। सब स्कूल में बराबर राशि दी जाती है बच्चे की उपस्थिति के अनुसार, लेकिन फिर भी वहाँ के HM साहब क्यों नहीं वो सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारे खबरों में बने रहिए, हम उस चीज़ को दिखाने वाले हैं जो यहाँ चुल्लू भर पानी का कार्यक्रम जो है प्रखंड में ज़ोरों शोर से चल रहा है। इनके जो संस्थापक हैं मोहम्मद अयाज जी हैं, और उनके तरफ से यहाँ बच्चियों को सम्मानित किए जाएंगे, और यहाँ के HM साहब हैं वो भी सम्मानित करेंगे। ये एक कहीं ना कहीं कहिए तो ये प्रोत्साहन है, बच्चे को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। और यहाँ के HM साहब को दिल से आभार है, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम को सम्मिलित करते हैं अपने स्कूल में, जबकि ऐसा सरकारी कोई सुविधा नहीं है, फिर भी अपने स्तर से करवाते हैं, तो इनको सलाम है। बाकी आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके स्कूल में इस तरह की सुविधा है या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप हमारे खबरों में बने रहिए, हम दिखाएंगे चुल्लू भर पानी कार्यक्रम को। देख सकते हैं गैस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आप लोग जो है NTPC बना के रखते हैं विद्यालय को। बच्चे पढ़ाई करेंगे या धुआं का आनंद लेंगे, ये देख सकते हैं। आप बोलते हैं कि ये गैस भराने का पैसा नहीं मिलता है ऊपर से, और बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ सुविधा उपलब्ध है, यहाँ धुआं का कोई वो नहीं है। और यहाँ देखिए पानी की जो सुविधा है, आप पानी के बारे में भी बोलते हैं कि यहाँ नल को तोड़ दिया जाता है, चापाकल को तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से सुविधा है। आप दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से निवेदन है कि आप इस पानी को दिखाएं। और इसी पानी को लेकर के चुल्लू भर पानी कार्यक्रम को रखा गया है, और आज प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे बच्चे को जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में। और आज बता दें कि पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन इससे पहले किया गया था, तो हम यहाँ के HM साहब से भी बात करेंगे। फिलहाल आप खबरों में बने रहिए, क्योंकि अभी कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा उस समय हम बात करेंगे। फ्रेम में जो देख रहे हैं हटे कटे लंबे चौड़े, ये यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, और इन्हीं के वजह से ये सब हो पाया है। और किस तरीके से ये मैनेज करते हैं स्कूल को, किस तरीके से बना के रखे हैं, ये गार्डन भी है, हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। अगर बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़े तो वो प्लस टू करके निकलेंगे इस स्कूल से। सर, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैनेज कैसे करते हैं ये परिचय देते हुए बताइए। मैनेज करने का यह है कि हमारा स्कूल जो है समय के कुछ पहले ही खुल जाता है जी। और समय के बाद ही, समय तक तो रहता ही है, बाद तक भी जब सब काम संपन्न नहीं हो जाता है तब तक खुला ही रहता है। साथ ही साथ मैनेज करने का यह है कि रूटीन के अनुसार सभी शिक्षक शिक्षिकाएं काम करते हैं जी। इसके बाद रूटीन के अनुसार जो है समय पर भोजन बच्चे को दिया जाता है, जिन बच्चों को भोजन मिलता है। साप्ताहिक मेन्यू के हिसाब से? साप्ताहिक मेन्यू में जरा भी कटौती नहीं होती है। सुन लीजिए, यहाँ के जितने भी और जो भी सर देख रहे हैं, खास करके पीरपैंती के सर से निवेदन है कि इन सर को देख लीजिए, कहीं भी भोजन में कटौती नहीं क्या सर? जरा भी कटौती नहीं, और जरा भी कमी। कहाँ से सर पैसा लाते हैं, अपना तो नहीं लगाते? नहीं, सरकार का जो मेन्यू है उसी के अनुसार चलते हैं। लोग तो यहाँ के बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि पैसा नहीं आया है, तो ये नहीं आया है, आज सर गलती से हो गया, ऐसा हो गया, कल से शुरू कर देंगे सर, ये क्या है? पैसा तो सरकार देती ही है, कुछ आगे कुछ पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार जो है कि समय पर ही पैसा देती है। रहा बात कि आगे पीछे जो होता है, इसके लिए तो हमारे पास वेंडर है, वेंडर हमारी आपूर्ति होता है, वेंडर के द्वारा हम सभी काम करते रहते हैं, स्वतः चलते रहते, किसी तरह का अभी हमें कोई परेशानी नहीं है जी। अन्य विद्यालयों को सीखने की जरूरत है, इस विद्यालय से आप सीख सकते हैं किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो चलिए, इन सभी बातों को तो बार बार दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं संजीवनी गंगा के बारे में, अयाज सर के बारे में, आप क्या सोचते हैं सर? अयाज सर जो है हमेशा आते जाते रहते हैं, और हमारे विद्यालय में बहुत सा पेड़ पौधे भी लगाए हैं, कुछ जीवित है, कुछ मर भी गए हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हमेशा प्रयास करते रहते हैं, इसलिए उसका तो आभारी हम हैं। साथ ही साथ कि इस तरह का कार्यक्रम जो पर्यावरण
को संतुलित करने के लिए जल और वन दोनों जो है, इससे दोनों से जो है पर्यावरण संतुलित होता है, इसके लिए तो आभारी हमको होना ही है। आज के कार्यक्रम चुल्लू भर पानी के बारे में बताइए सर, बच्चे सबको जो सम्मानित किए गए वो बच्चे कहाँ तक जाएंगे? आज जो है कि इन्होंने जो बताया कि चुल्लू चुल्लू भर पानी जो है कि हमको जमा करके उसको उसका संरक्षित करना चाहिए। कैसे हमको संरक्षित करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, जिससे कि हमारे भविष्य में जो है उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो, भविष्य में कभी कमी नहीं हो, इसके बारे में बताया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप इस खबर को जहां से भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संजीवनी गंगा एक नेक कार्य कर रही है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इनसे सीखे। बाकी इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।